सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम 26 क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो मिस्टर अशोक से 10% लेना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस हैं। फर्स्ट कहता है विड्रॉइंग करती है, कितना विड्रॉ करते हैं 7500 इन बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर बार निकाल रहे हैं तो सेम डेट की बात की जा रही है। यहाँ पर भी क्या की जा रही है, एंड की बात की जा रही है, और लास्ट में क्या की जा रही है, मिड की बात की जा रही है। अगर हम क्वार्टर की बात करें, किसकी बात करें, क्वार्टरली की बात करें, तो क्वार्टरली आप निकाल रहे हो तो कितने मंथ के बाद निकालोगे। क्वार्टर बोलते हैं 3 मंथ को, ठीक है ना, और एक साल के अंदर क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना। तो 4 क्वार्टर हम बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ये क्या बना लिया अपन ने, बिगनिंग, और ये बना लिया मिड, और ये बना लिया एंड, ठीक है ना। अगर आप बिगनिंग में निकाल लोगे, क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल लोगे तो कितने मंथ बचेंगे आपके, तो आपके टोटल 12 मंथ बच जाएंगे। 12 मंथ प्लस लास्ट वाले के बिगनिंग में निकाल लोगे तो कितने मंथ है, तो हर किसी क्वार्टर के अंदर कितने हैं, 3 मंथ है, 3 मंथ है, 3 मंथ है, और इसके अंदर भी 3 मंथ है। तो लास्ट में निकाल लोगे तो कितना बचेंगे, बिगिनिंग में निकाल लोगे तो कितने बचेंगे, 3 मंथ, ठीक है ना। 12 प्लस 3 डिवाइड करोगे 2 से, 15 डिवाइड, 7.5 मंथ बच जाएंगे हमारा, जो अगर बिगिनिंग की बात करें। अगर मिड की बात करें तो मिड में क्या, अब यहाँ निकाल लोगे तो ये कितना चला गया, 1.5 महीना चला गया, बाकी कितने बच गए, 10.5। तो 10.5 मंथ बच गए, प्लस लास्ट के मिड में निकालोगे तो कितना बच गया आपके पास, 1.5 मंथ बच गए, डिवाइड करोगे 2 से, तो 10 प्लस 2 कितने हो जाते हैं, 12 डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। अगर आप कब निकाल रहे हो, एंड में निकाल रहे हो, क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हो, तो कितने महीने बच गए, 3 3 6 3 9, 9 मंथ बच गए, प्लस लास्ट के जब किस में निकाल रहे हो, एंड में निकाल रहे हो, तो उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, तो डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 4.5 मंथ। तो बिगिनिंग में 7.5 मंथ, मिड में 6 मंथ, और एंड में 4.5 मंथ। तो फर्स्ट केस की बात देख लेते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, और ये थर्ड केस, ठीक है। फर्स्ट केस के अंदर कितना निकालते हो आप, 7500, सभी में सेम निकाल रहे हो अमाउंट। अगर आप कितना निकाल रहे हो, 7500 निकाल रहे हो, और साल में कितनी बार निकालते हो आप, 4 टाइम निकालते हो, तो टोटल आप कितना ड्रॉइंग करोगे, 7500 इंटू 4, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 30,000। तो पूरे साल में आप 30,000 ड्रॉइंग करोगे, तो फर्स्ट केस के अंदर भी 30,000 आ जाएगा, सेकंड केस के अंदर भी 30,000 आ जाएगा, और थर्ड केस के अंदर भी 30,000 आ जाएगा। और अगर हम रेट की बात करें तो 10% से लेना है, 10 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। अब टाइम की बात करें, अगर आप कब ले रहे हो, बिगिनिंग में ले रहे हो, तो कितना आ जाएगा, 7.5 डिवाइड बाय 12। अगर आप कब ले रहे हो, एंड में ले रहे हो, तो कितना आ जाएगा, इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। अगर मिड में ले रहे हो तो इंटू कितना हो जाएगा, 6 बाय 12, ठीक है। तो अब ये जीरो से ये जीरो काट दी, ये जीरो से ये जीरो काट दी, ये से ये और इससे ये, सिंपल करो, ये इससे ये, इससे ये, ठीक है ना। अब क्या कर दिया आपने, अब आपके पास कितना बच गया, ये 3000, ठीक है ना, 3000 बच गया। 3000 को मल्टीप्लाई किससे करो, 7.5 से, और डिवाइड किससे कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1875 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड की बात करें तो हमारे पास कितना था, 3000 अमाउंट आ चुका है, तो 3000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 4.5। 3000 को अगर मल्टीप्लाई करें किससे, 4.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 13,500, और इसको को हम डिवाइड किससे करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1125, ठीक है, 1125। अगर हम थर्ड की बात करें तो इसको हम किससे काट सकते हैं, 6 को ये काट सकते हैं, 2 से, और ये 15 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये थर्ड केस के अंदर हमारे पास 1500 आ जाएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट रहने वाला है 1875, और 20 केस के अंदर 1125, और सी केस के अंदर 1500, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।